एक अक्टूबर को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इंदौर के प्रीतमलाल दुआ सभागृह में वरिष्ठ नागरिक विचार मंच एवं हेल्पेज इंडिया द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरिष्ठ नागरिक विचार मंच की अध्यक्ष मनोरमा मेनन एवं हेल्पेज इंडिया के स्टेट हेड संस्कृति खरे ने बताया कि आयोजन में 90 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ जन एवं 75 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ जनों का अलग अलग कैटेगरी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आयोजन के पूर्व देवी सरस्वती एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर लॉयंस क्लब कैबिनेट के मार्केटिंग एवं कम्युनिकेशन चेयरपर्सन लॉयन दिनेश रणधर ने श्रेष्ठ आयोजन के लिए आयोजककर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि निश्चित ही इस तरह के आयोजन वरिष्ठ जनों का सम्मान बढ़ाने के साथ हौसला अफजाई भी करते हैं। वर्तमान में आत्महत्याओं के केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस तरह के आयोजन वरिष्ठ जनों को जीवन के अंतिम समय तक लड़ने की प्रेरणा देते हैं। नागरिक मंच विचार मंच द्वारा आयोजित ये सम्मान समारोह जो आयोजित किया गया है उसके लिए मैं सभी आयोजनकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। दरअसल आज जो विश्व वरिष्ठ दिवस है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे जो लोग जिनका सम्मान भी करने जा रहे हैं 75 वर्ष से और 90 वर्ष की आयु के बीच के लोगों को, जैसा कि मैडम ने बताया, उसमें दो तरह के लोग रहते हैं। कुछ तो शारीरिक रूप से एकदम थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं जो कि आगे ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकते हैं या आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनके जीवन का पूरा अनुभव का लाभ वो सक्रिय हैं और लोगों को मिल सकता है, समाज की नई पीढ़ी को मिल सकता है, ताकि उनमें संस्कार और उनमें कुछ भावना उत्पन्न हो। आज हम देख रहे हैं समाज की एक बहुत बड़ी समस्या जो चल रही है कि हत्या से ज़्यादा आत्महत्या के केसेस हम मीडिया के अंदर देख रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो फ्रस्ट्रेशन, जो चिंताएँ और जो लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज होती जा रही है उसके अंदर युवा से लेकर के बच्चे से लेकर के वृद्ध लोग तक महिलाएं भी और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाती हैं। दिवस है उसके उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिक विचार मंच इंदौर ने 75 वर्षीय और 90 वर्षीय सदस्यों का अमृता अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजन किया है। इसमें हमने करीब 35 लोगों को इनवाइट किया था, अपना आमंत्रण भेजा था, लेकिन उसमें से करीब 20 लोग शायद आने की संभावना है। इसका उद्देश्य तो ये है कि वरिष्ठ नागरिक जो हैं 75 वर्षीय और जो 90 वर्षीय हैं उनसे दूसरे लोग हैं वो प्रेरणा लें कि आज तक वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और इस आयु में भी जब सक्रिय हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वृद्ध हो गए, हम किसी काम के नहीं हैं। ऐसा नहीं है, सब लोग कोई ना कोई समाज के हितार्थ कार्य कर ही सकते हैं।